Hey everyone, welcome to CLAT Point and let's start today's the Hindu news discussion जो कि CLAT, TULLB, ALIT, NLSAT and other law entrance test जो आप 2022 में देने वाले हैं उसके लिए important हो सकता है। आगे बढ़े उससे पहले कल हमारा 9 बजे सुबह से ऑल इंडिया ओपन मॉक है फॉर CLAT UG एंड CLAT PG के एस्पिरेंट। आप लोगों को हमारी ऐप डाउनलोड कर लेनी है या डेस्कटॉप से हमारी वेबसाइट विजिट कर लेनी है कल सुबह 9 बजे से, जब भी आप 2 घंटे के लिए फ्री हो, आपको पेपर जो देना है आपका, और फिर उस पेपर को दीजिए, अपना मार्क्स देखिए, अपनी तैयारी को देखिए और फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की। तो देखिए एडिटोरियल का जो 2 पेज हैं कुछ इस तरीके से हैं, जिसमें सेकंड वाला पेज तो ग्राउंड जीरो सैटरडे में एक कहानी आती है, रिपोर्ट आती है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप चाहो तो पढ़ सकते हो। एक हरेसमेंट की कहानी है लेकिन फिर उसके बाद जिसने हरेसमेंट किया उसको मार डाला गया, तो बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है, बट ठीक है अगर पढ़ना चाहो पढ़ लेना। ऑल द न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से बिल्कुल भी। यहाँ पे देखिए कोई भी खास एडिटोरियल आया नहीं है। एक यहाँ पे ऑन द बॉइल जो आर्टिकल आया है वो कजाकिस्तान से रिलेटेड आया है, जिसके बारे में कल हमने बहुत अच्छे से देखा कि कजाकिस्तान में किस तरीके से न्यू ईयर पर जब फ्यूल प्राइस को इंक्रीज किया गया तो उसके बाद अचानक से बहुत ज़्यादा वॉयलेंस शुरू हो गया। अब क्या हुआ है, रिसेंट हमने देखा कि CSO जो आपका रशिया के साथ एक ग्रुप है 6 कंट्रीज का, कजाकिस्तान ने उसका फायदा उठाते हुए अपनी उस पावर का यूज करते हुए रशिया से ट्रूप्स को अपने यहाँ पे डिप्लॉय करा लिया है। तो ये सारी चीजें हमने ये भी देखा था किस तरीके से वहां पे जब जो वहां के प्रेसिडेंट थे वो सत्ता से हट गए थे लेकिन फिर देखने को ये मिला कि वो बाहर से पावर मतलब चलाने की कोशिश कर रहे थे, मिलिट्री के साथ एक काइंड ऑफ अरेंजमेंट हो गया था, तो जनता उस चीज से भी खुश नहीं थी। और कजाकिस्तान का थोड़ा सा मैप देख लो वर्ल्ड में, तो देखिए ये पूरा वर्ल्ड है, यहाँ पे कहीं कजाकिस्तान पड़ता है कुछ इस तरीके से, कजाकिस्तान है, इसका अड़ोसी पड़ोसी देश भी देख लीजिए आप, इधर किर्गिस्तान हो गया, यहाँ पे उज्बेकिस्तान हो गया, ठीक है, इधर रशिया है और चाइना भी बगल में है, तो ये कजाकिस्तान का मैप भी हमने देख लिया। इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल जो आया है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो सिक्योरिटी लैप्स हुई है उसके ऊपर है। मैंने वैसे ये आर्टिकल डिस्कस किया हुआ है कि क्या हुआ था, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। हुआ ये था, देखिए ये आपका जालंधर है, सॉरी ये आपका भटिंडा है, भटिंडा से फिरोजपुर जाना था बाय रोड, फरीदकोट के एरिया में कहीं पर इनका रोड ब्लॉकेज हो गया था, 20 मिनट तक काफिला जो है इनका रुक गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, उसके बाद से बवाल हम काफ़ी सारा देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए SPG जो है, SPG की फुल फॉर्म होती है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, तो यहाँ पे राइटर जो हैं वो बोलते हैं कि क्या ये पंजाब पुलिस की गलती है कि SPG की गलती है। SPG जो है देखिए करीबन 600 करोड़ 2020 में इनका बजट था और SPG का मोस्टली काम जो होता है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इन लोगों की सुरक्षा करना, तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि क्या वो भी उत्तरदायी है नहीं है। अभी क्या इस पर रिसेंट मामला हो रहा है, मामला ये हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक जांच इस पर बैठाई थी, वहीं स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी जांच बैठा दी है, मामला कोर्ट में आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा कि आप दोनों ही लोग रुक जाइए, हम डिसाइड करते हैं कौन करेगा। प्रोबेबली डिमांड ये सही रहेगी कि जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंडर, तो चीज़ें जो है बेटर तरीके से सामने आएंगी कि यहाँ पे गलती क्या है। बाकी आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। अब देखिए अगले कुछ समय में 5 स्टेट्स के अंदर आपके चुनाव हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहने वाला है, इसीलिए मैंने बिजनेस लाइन का ये आर्टिकल यहाँ पे इंक्लूड किया है और हम इसको यहाँ पे आज के पेपर में डिस्कस करेंगे, फिर जो शॉर्ट न्यूज़ होगी वो देखेंगे। तो देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली है क्या, देखो कि जो जो नेता हैं वो इलेक्शन में फेयर प्रैक्टिसेस का यूज़ करें, अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज़ ना करें, वो किसी को ब्राइब के थ्रू वोट ना खरीदें, वो किसी का माइंड को इन्फ्लुएंस ना करें, किसी चीज़ों से डराएं धमकाएं ना, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाया गया है। देखो इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो देखिए केरल असेंबली में 1960 में इसका यूज़ किया गया था कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से। ये चीज़ हमारी लोकसभा को उस समय अच्छी लगी, तो लोकसभा ने 1962 के इलेक्शन में भी मॉडल उस समय कोड ऑफ कंडक्ट बोलते थे, तो उसी तरीके का एक प्रोसीजर अपने आप पे लिया है, कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट कर लिया। देखिए ये ना उस समय के नेताओं का आप कह सकते हो कि बड़प्पन था कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उस समय देखिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती थी, सिर्फ कांग्रेस ही दबदबा में थी, तो कांग्रेस में ऐसा जैसा कुछ था नहीं कॉम्पिटिशन की मतलब कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज़ किया जाए, जब ऑप्शन ही कांग्रेस रहता था ज़्यादा, तो इसलिए नेताओं ने स्वेच्छा से इस चीज़ को अपना लिया। तो ये तो पहला फेज था, लेकिन फिर देखिए दूसरा फेज आया 1967 से 1991 का, जब इलेक्शन होने लगे 1967 के बाद काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं भारत के विभिन्न विभिन्न भागों में बढ़ने लगी, आने आने लगी, फिर क्या हुआ कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी, आपस में फाइट बढ़ी जीतने के लिए, सारे तरीके छल कपट, वो बोलते ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, वो वाला सीन चालू हो गया,
सबको जीतने के लिए इंटीमेट कर रहा है, वोटर्स को डरा रहा है, धमका रहा है, पैसा दे रहा है, लिकर सर्व कर रहा है, जो भी चीजें कर सकते हैं वो करे जा रहे हैं, जिसके चलते हुए 1969 में इलेक्शन जो कमीशन है हमारी, उन्होंने ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाम कर दिया कोड ऑफ कंडक्ट से। और उनको लगा कि मॉरल टर्म यहाँ पे लगाने से जो है नेताओं के मन में थोड़ा सा डर आएगा कि जनता क्या सोचेगी अगर हमारा नाम खराब होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1969 में नाम चेंज करने के बाद भी चीजें जो हैं वो ऐसी ही चलती नहीं। फिर आता है थर्ड फेज। थर्ड फेज जो है वो टर्निंग पॉइंट है इलेक्शन कमीशन का जो टेन्योर रहा था। उस समय इलेक्शन कमिश्नर होते थे टी एन शेषान। तो टी एन शेषान ने आफ्टर 1991 ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स लाए इलेक्शन कमीशन के अंदर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर। इवन ये ऐसा करते थे कि इलेक्शन को पोस्टपोन करते रहते थे, जैसे कहीं पे इलेक्शन है और इनको पता पड़ा कि यहाँ पे अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज किया है तो ये पोस्टपोन कर देते थे। तो ऐसे बहुत जगहों पे करते थे। प्लस ये नेताओं को पब्लिकली डांट देते थे, फटकार लगा देते थे, न्यूज में बोल देते थे कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया है। तो जब उस समय टी एन शेषान का इतना अच्छा काम करते हुए, इलेक्शन कमीशन को इतना अच्छा काम करते हुए मीडिया ने देखा, तो उस समय मीडिया भी काफी आगे आया। मीडिया ने भी काफी आगे आते हुए इन चीजों को रोकने की कोशिश करी। मीडिया ने भी काफी प्रोत्साहित किया कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लगे और लोग जो है वो अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज ना करें इलेक्शन में। अब देखिए जो फोर्थ फेज है वो लास्ट 3-4 साल से जो चल रहा है, तो ये जो 3-4 साल से चल रहा है ना, अब यहाँ पे वापस से अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है वो यूज होने लगी हैं, ऐसा राइटर बोलते हैं। ये कहा जा रहा है कि वापस से लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हो रही है वो हो रही है वोटर्स ब्राइबरी। अब ब्राइबरी बहुत तरीकों की होती है, जैसे किसी को लिख कर दे देना, किसी को पैसे दे देना, किसी को डरा धमका के ब्राइब कर देना। तो ये सारी चीजें जो हैं अब वो पिछले 3-4 साल में फिर से देखी जा रही है, ऐसा राइटर बोल रहे हैं। और उन्होंने बोला है कि ये सब तो है ही है, साथ साथ मीडिया का भी मिसयूज हो रहा है। अब मीडिया भी मिसयूज करके लोगों के सामने जो पॉलिटिशियंस कहना चाह रहे हैं वही दिखा रही है, जो अपोजिट चीज है वो नहीं दिखा रही है। तो ये सारी चीजें राइटर यहाँ पे कह रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन कोशिश नहीं करती है, वो करती है। उन्होंने काफी नेताओं को काफी समय, काफी बार जो है वो कह दिया है कि अब आप स्पीच नहीं दे सकते हैं, आप वहां पे नहीं जा सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सब ये चीजें जो हैं वो सफिशियंट नहीं साबित हो रही हैं, और कहीं ना कहीं जो लैक दिख रहा है मीडिया के द्वारा और इलेक्शन कमीशन के जो अभी फंक्शनरी है उसके अंदर, तो ये एक अपने आप में बहुत चिंता का विषय है और इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अब इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, तो पहले तो नीड ऑफ डेटरेंस जरूरी है, जैसे कि शशांक साहब ने किया था 1991 में, कि लोग नेताओं को डर लगने लगा था इलेक्शन कमीशन से, तो उस तरीके की चीज लाके लानी पड़ेगी कि डेटरेंस आ जाए। दूसरा है कि इन्फ्लुएंस जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो गवर्नमेंट का खत्म हो जाना चाहिए, पॉलिटिशियंस का खत्म हो जाना चाहिए। और तीसरा यहाँ पे एक पॉइंट ये है ना कि देखो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट ना सिर्फ ये नियम है, कुछ ऐसा जिसमें लॉ नहीं है कि इसको अगर नहीं करोगे तो फिर आप इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे, आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का प्रावधान लाना चाहिए कि जो नेता हैं वो डरें इस चीज से, और फिर उसके बाद चीजें जो हैं वो इम्प्लीमेंट करें वो लोग, क्योंकि अभी तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होती है। भारत में देखो 3-tier सिस्टम आया था, पंचायत इलेक्शन, म्यूनसिपल इलेक्शन भी अब होने लगे हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जो छोटे छोटे इलेक्शन आप गाँव में देखते हो, प्रधान के इलेक्शन देखते हो, पंचायत के इलेक्शन देखते हो, म्यूनसिपल पार्टी के इलेक्शन देखते हो, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन देखते हो, आप ये चीज देखते होगे कि वहां पे किस लेवल पे जो ब्राइब का वोटर्स को किया जाता है। आप गांवों में देखते होगे, आपने अपने बहुत सारे घर के कोई नेता खड़े होंगे तो आपने देखा होगा। तो ये आप सोचो जब उस छोटे लेवल पे इस लेवल पे चीजें होती हैं, तो बड़े लेवल पे तो और बड़ा गेम होता है। तो ये सारी चीजें रोकनी चाहिए, बाकी देखते हैं समय के साथ क्या होता है। गाइज अगर आप लोग क्लैट यूजी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा क्लैट यूजी 2022 का मॉक टेस्ट चल रहा है, क्लैट यूजी 2022 के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, 3 महीने का क्रैश कोर्स है, पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। क्लैट यूजी विजेता ईयर लॉन्ग बैच चल रहा है 2023 के लिए, क्लैट यूजी के लिए जो 2022 में पेपर देंगे उनके लिए जीके बूस्टर कोर्स चल रहा है, आप इनमें इनरोल करना चाहें कर सकते हैं। जो क्लैट एलएलएम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मॉक्स है, क्लैट एलएलएम 2022 के लिए प्रॉपर बैच चल रहा है, क्लैट एलएलएम 2023 के लिए प्रॉपर बैच चल रहा है, आप इनमें इनरोल करना चाहें कर सकते हैं। एनएलएसएड की जो तैयारी कर रहे हैं, ड्यूएल एलबी की जो तैयारी कर रहे हैं, ड्यूएल एलबी की जो मॉक्स चाहते हैं, वो लोग भी हमारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारे ऐप की लिंक है, हमारी ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ पे स्टोर सेक्शन में जाके आप इन कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट से, अगर डेस्कटॉप से जा रहे हैं या लैपटॉप से जा रहे हैं, तो हमारे वेबसाइट पर विजिट करके भी इन कोर्स को परचेस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं न्यूज इन शॉर्ट्स देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट परमिट्स नीट काउंसलिंग अंडर प्रेजेंट ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोटा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में देखो काफी समय से बवाल था कि ये 8 लाख रुपए वाला कैप रखें ना रखें एक्सेट्रा। तो फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसी 8 लाख वाले करिए ये काउंसलिंग, जो नीट की काउंसलिंग अटकी हुई है, और आपको जो भी चीजें करनी है इसी को मान के करिए, बाकी इसको आगे देखते हैं कि इस पर क्या सही है क्या गलत है।
फिर इसके बाद क्या है, 7 डे होम क्वारंटाइन फॉर फ्लायर्स हु लैंड इन इंडिया। ये क्या है, ये देखिए जो लोग भी भारत के बाहर गए हैं, भारत से वापस आ रहे हैं, उनको 7 दिन का होम क्वारंटाइन कंपलसरी कर दिया गया है, और 7वें दिन जो है उनको अपना RT-PCR जो है वो एयर सुविधा पोर्टल पे अपलोड करना है। तो ये यहाँ पे चीज कही है, 7वें दिन या 8वें दिन, ठीक है। इसके बाद है अवेटिंग लॉ पैनल रिपोर्ट्स ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड सेंटर। सेंटर ने ये कहा है कि हम लॉ पैनल की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। बट व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उसका आर्टिकल 44 जो पार्ट 4 में हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो ये बात साफ साफ शब्दों में कहता है कि स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि भारत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज बेसिकली अ जेनेरिक सेट ऑफ गवर्निंग लॉज फॉर एवरी सिटीजन विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द रिलीजन, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है, तो आर्टिकल 44 जो है वो सपोर्ट करता है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, काफी सारे सिविल मैटर में हमारे यहाँ पे जो नियम कानून है वो यूनिफॉर्म है, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिविल प्रोसीजर एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एविडेंस एक्ट। बट यहाँ पे जैसे फैमिली लॉ जो मोस्टली है ना, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है अलग अलग रिलीजन के अंदर, तो वो यहाँ पे सेम करने की कोशिश करी जाती है। क्यों, इसकी नीड है, क्या फायदा है? तो देखिए सेकुलर कंट्री है इंडिया, तो कॉमन लॉ होना चाहिए, एक ये इसके पक्ष में बोला जाता है। जेंडर जस्टिस है, काफी सारे देखो रिलीजन में काफी सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती है ना जो जेंडर बायस होती है, मेल को प्रिफर करती हैं, मेल को फेवर करती हैं, वुमेन को नहीं करती है, तो वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड काम का हो सकता है। शाहबानों केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था, काफी सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी नीड बताई है। अब कुछ लोग कहते हैं UCC डिजायरेबल क्यों नहीं है, तो देखो भारत जो है बोला जाता है कि डाइवर्सिटी कंट्री है, अलग अलग रिलीजन है, सबका सम्मान है, तो फिर सबके पर्सनल मैटर्स में क्यों घुसना, तो ये इसका क्रिटिसिज्म भी है। अब देखिए एक बड़ा हास्यप्रदक केस है, लेकिन अच्छा है, नाम ध्यान रखिएगा, और स्पेशली जो क्लैट UG की तैयारी कर रहे हैं उसमें पैराग्राफ में इस तरीके क्वेश्चन में भी पूछ लें, वरना जो LLM की दे रहे हैं उनमें तो बहुत चांसेस है। तो रू आफजा वर्सेस दिल आफजा करके ये केस है, और ये ट्रेडमार्क का एक केस है, तो ट्रेडमार्क लॉ में आप इसको देख सकते हैं। तो इस केस में हुआ क्या कि रू आफजा ने भैया को केस डाला दिल्ली हाईकोर्ट में कि भैया ये जो दिल आफजा करके ये जो बना रहे हैं इसमें इन्होंने आफजा जो है ना वो कॉपी कर लिया है हमारा, और ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि दिल आफजा जो है वो रू आफजा है, और रू आफजा के नाम से दिल आफजा शरबत को बेच रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि जनता जो है वो इतनी बेवकूफ नहीं है, रू आफजा जो है उसमें रू और आफजा में आप एक एक शब्द को पेटेंट नहीं ले सकते हो, आपने ट्रेडमार्क ले रखा है रू का, ठीक है, रू आफजा का ले रखा है, आपने ये नहीं कह सकते कोई आफजा यूज ना करे, और लोगों को साफ साफ डिफरेंस दिख रहा है कि रू का मतलब क्या होता है, दिल का मतलब क्या होता है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये चीजें यहाँ पे कही गई है। इसके बाद क्या है, रैम्पेंट पोचिंग इन ओडिशा इंडिकेट्स मैसिव नेटवर्क इन ऑपरेशन। देखो यहाँ पे लेपर्ड्स की पोचिंग का मामला ओडिशा में देखने को मिला है, और लेपर्ड का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पेंथेरा पेरोडस। ये शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लिस्टेड है, साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में लिस्टेड हैं, IUCN रेड लिस्ट में वनरेबल कैटेगरी में आते हैं। कुछ याद हो ना हो ये जरूर पता होना चाहिए कि IUCN रेड लिस्ट में कौन से कैटेगरी में है, तो वनरेबल की कैटेगरी में है। 9 सबस्पीज ऑफ लेपर्ड जो है वो पाई जाती है, रिकग्नाइज करी जाती है अफ्रीका एंड एशिया कंट्रीज के अंदर, ठीक है। तो ये हमने देखा, तो दिस इज इट गाइज, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये उड़ीसा में लेपर्ड वाला मामला देखा, हमने रू आफजा वर्सेज दिल आफजा वाला मामला देखा, नीड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड देखा, क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड क्रिटिसाइज करी जाती है, कहां से कॉन्स्टिट्यूशन में पावर मिलती है गवर्नमेंट को, आर्टिकल 44 ध्यान रखिएगा, 7 डे होम क्वारंटाइन, EWS कोटा, यहाँ पे आप कोर्सेज में इनरोल करना चाहें ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में देखा, हिस्ट्री देखी कि 4 फेज में चीजें हुई, एक तो सबसे पहला, फिर दूसरा 1969, तीसरा हमने देखा जब शशांक साहब आए, और फिर चौथा जो अभी चल रहा है, ठीक है। देन हमने एक एडिटोरियल देखा था मोदी जी वाला, और एक एडिटोरियल हमने फिर यहाँ पे थलका सा डिस्कस किया था कजाकिस्तान वाला, जो कि है क्योंकि हमने कल इसके बारे में न्यूज़ से पढ़ रखा है। तो दिस इज इट गाइज, थैंक यू सो मच, एंड संडे कल है, कल सुबह 9 बजे से ये मॉक आप लोगों के लिए लाइव हो जाएगा हमारे ऐप पे, वेबसाइट पे, तो आप इस मॉक को जरूर देखिए, अपने स्कोर चेक करने की कोशिश करिएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, मिलेंगे मंडे में इस एनालिसिस में, क्योंकि ये जो सेशन है हमारा आपको पता है मंडे टू सैटरडे होता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।